हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स सेकंड के चैप्टर 9, 10 और 11, यानी कि अगर सेकंड फिजिक्स की बात की जाए तो चैप्टर 1, 2 और 3 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट, सेकंड फिजिक्स में जो आपके चैप्टर हैं वो फर्स्ट चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, सेकंड चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी और थर्ड चैप्टर है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, इन तीनों चैप्टर का मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, यानी कि इन्हीं तीनों चैप्टर के हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके आंसर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट फिजिक्स, यानी कि फर्स्ट जो फिजिक्स है आपका, और केमिस्ट्री के दोनों जो है केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट के इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए, जैसे ये फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र से है, यानी सेकेंड फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए, यानी कि क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स की तरह आपको प्रोवाइड कराया है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि आपको पता है कि सघन माध्यम और विरल माध्यम दो माध्यम होते हैं। ठीक है, तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए अगर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो इसी को हम कहेंगे क्रांतिक कोण, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो कोण बनता है ये सघन माध्यम में बनता है, तो इसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है, यानी कि ऐसे भौतिक सिद्धांत का नाम लिखना है जिस पर जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, यानी कि प्रकाशिक तंतु होते हैं, उसका सिद्धांत जो है कार्य करता है। ठीक है, तो उस सिद्धांत का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जो प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो उस सिद्धांत, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, कि लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए, यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, लेंस की क्षमता उसकी प्रति मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी कि लेंस की क्षमता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, लेकिन जो फोकस दूरी होगी वो मीटर में होगी। अब पहले समझ लीजिए कि इसे डिनोट किससे करते हैं, तो लेंस की क्षमता को स्मॉल पी, ठीक है, स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लेंस की क्षमता को हम लोग स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके फार्मूले की अगर बात की जाए तो मैंने आपको डेफिनेशन में ही बता दिया है कि पी इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है, वो भी मीटर में, ठीक है, तो ये होता है आपका फार्मूला। अब इसके मात्रक की बात की जाए तो हम लोग मात्रक भी साइड में लिख देते हैं, मात्रक, तो इसका मात्रक होता है डी, यानी कि डायोप्टर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जिसे हम मीटर में लिखते हैं किसको, फोकस दूरी को, और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि इसी चैप्टर से है, जैसा कि आपको पता है चैप्टर बहुत बड़ा है तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए, यानी कि कोई प्रकाशिक माध्यम है उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता पहले समझिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा ओमेगा से, कुछ डब्ल्यू के आकार का इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू फार्मूला होता है एन वी माइनस एन आर अपान
एन वाई माइनस वन, यानी कि वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होता है इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस वन, जहाँ पर एन वी क्या है, एन है आपका अपवर्तनांक, पहले इसको समझिए, ठीक है। एन है अपवर्तनांक, सभी एन जो है अपवर्तनांक है, बट यहाँ पर जो वी आर वाई है सब कलर्स को डिनोट करते हैं। वी देखिए वायलट है, यानी कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक, ठीक है, इसे हम एन बी से डिनोट करेंगे। आर है रेड, तो रेड कलर का अपवर्तनांक, लाल कलर का, तो इसे हम लोग डिनोट कर देंगे एन आर से। और एन वाई है यानी कि येलो कलर का अपवर्तनांक, इसे हम लोग डिनोट करेंगे एन वाई से, ठीक है। तो ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि इसी चैप्टर से है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको आपको लिखना होता है किस प्रकार से। देखिए नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नज़दीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि समंजन क्षमता जो होती है वो दूर या नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो हमारे अंदर क्षमता पाई जाती है उसी को हम लोग कहेंगे समंजन क्षमता, ठीक है, नेत्र में, आंखों में। तो समझ में आया, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नज़दीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसे हम लोग कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर से पांच क्वेश्चंस। अगला चैप्टर हमारा था तरंग प्रकाश की, उसका क्वेश्चन जो है सिक्स क्वेश्चन जो है उसी चैप्टर का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो देखिए डेफिनेशन लिखना है आपको सिंपली, क्योंकि अतिलघु उत्तरीय है तो छोटे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर, अवरोध का मतलब अवरोध या द्वारक, ठीक है, द्वारक जो होता है लेंस में, तो जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी कि अगर प्रकाश है वो किसी द्वारक से आकर किनारों से मुड़ जाए, ठीक है, तो उसी इस प्रकार का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपली हो जाएगा। सातवां देखिए क्या है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसी दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। यानी कि ऐसी कौन सी दो घटनाएं हैं जो यह प्रदर्शित करती हैं कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये दोनों घटनाएं हैं, फर्स्ट है व्यतिकरण, और दूसरा है विवर्तन, ठीक है, विवर्तन। तो ये दोनों भौतिक घटनाएं ये प्रदर्शित करती हैं कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ऐसी दो भौतिक घटनाएं जो है वो व्यतिकरण तथा विवर्तन हैं, जिसका जो यह उल्लेख करती हैं कि प्रकाश की तरंग जो है प्रकृति होती है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन हमारा अगले चैप्टर से, जो कि है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ, एक है कार्य फलन, ठीक है, और दूसरा है देहली आवृत्ति। तो इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आठवां क्वेश्चन क्या है, कार्य फलन की परिभाषा लिखिए, यानी कि कार्य फलन क्या होता है। तो देखिए वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। यानी कि कोई ऐसी न्यूनतम ऊर्जा, मान लीजिए कोई मेटल है, ऐसा कि आपको पता है कि इसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो वह न्यूनतम प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु की प्लेट पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित यानी कि इलेक्ट्रॉनों के बाहर करने के लिए उत्तरदायी होती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो कि प्रकाश जो कि किसी धातु पर अगर वो प्रकाश पड़ता है, प्रकाश की इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि जब वह किसी धातु की पृष्ठ पर पड़े तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगे, उसी को हम लोग कहते हैं कार्य फलन, ठीक है, उस ऊर्जा को। तो समझ में आया, अब इसे हम लोग W से व्यक्त करते हैं, यानी कि इसे हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और कैपिटल W इक्वल टू एक फार्मूला होता है जो कि होता है एच म्यू नॉट, ठीक है, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए W इज इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है। यहाँ पर W है आपका कार्य फलन, H है आपका, लिख देते हैं यहाँ पर, H है प्लांक नियतांक, ठीक है, H है प्लांक नियतांक, और म्यू नॉट है, म्यू नॉट ये है देहली आवृत्ति,
देहली आवृत्ति, तो W इज इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है, एच है प्लांक नियतांक, म्यू नॉट है आपका देहली आवृत्ति, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला, इसे एक प्रकार से हम और लिख सकते हैं, उसको भी बता देता हूँ। तो वो होता है W इज इक्वल टू, ठीक है, एच सी अपान लैमडा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एच सी अपान लैमडा नॉट। तो ये समझ में आया, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यह चाहे आपका प्लांक नियतांक, सी है प्रकाश की चाल और लैम्डा नॉट है देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है, देहली तरंग दैर्ध्य। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, दो चीज़ें हैं, अगर म्यू नॉट है तो देहली आवृत्त है, अगर केवल म्यू होता तो आवृत्त होता, अगर लैम्डा नॉट है तो देहली तरंग दैर्ध्य है, अगर केवल लैम्डा होता तो देहली वाली तरंग दैर्ध्य होता, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है कार्य फलन का। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देहली आवृत्त से आप क्या समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि म्यू नॉट जो है आपका देहली आवृत्ति है, बट ये होता क्या है। देखिए सिंपल सा फंडा है, वही जो मैंने उसमें बताया था आपको कि देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। मान लीजिए कोई मेटल है, इसके अंदर मोस्ट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु पर पड़ने से उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, यानी कि उस धातु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर सके, उसी को हम लोग कहेंगे देहली आवृत्ति। प्रकाश की इतनी आवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो कार्यफलन था उसमें क्या था कि प्रकाश की उतनी ऊर्जा, वह ऊर्जा जो किसी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, ठीक है। तो ये आपका होता है, अब इसे हम लोगों ने आपको बताया कि म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, तो म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा लास्ट और दसवां क्वेश्चन आता है जो कि इसी चैप्टर से है, क्वेश्चन है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी, ठीक है। अब जहां पर मैं बता दूं, जहां पर लैम्डा है आपका तरंग दैर्ध्य पता है आपको, एच है आपका प्लांक नियतांक, तो लिख देते हैं एच प्लांक नियतांक है, ठीक है। एम आपका क्या है, कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान, और जो आपका वी है वो है कण का वेग। तो ये आपका होता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम बी, जहां एच है प्लांक नियतांक, एम है कण का द्रव्यमान, वी है कण का वेग, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ चुके होंगे और ये आप लोगों को जो है फाइनली क्लियर हो चुका होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।